नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव सेवन। शिक्षकों के सम्मान में बिहार लाइव सेवन शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर से एक खास संध्या न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें आपको दिन भर की हर खबर से एक साथ रूबरू कराएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय सब लोग पार्टी भी अपनी चुनावी तैयारी में लग गया है। जहानाबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे भारतीय सब लोग पार्टी ने लगातार सदस्यता अभियान चला रहा है और लोगों को सदस्य बना रहा है। सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोग भी चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मनोबल को बढ़ा रहे हैं। सुनिए इस मौके पर भारतीय सब लोग पार्टी के प्रदेश महासचिव मृत्युंजय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। हमारा भारतीय सब लोग पार्टी में अभी हम लोग 1 तारीख को जिला कार्यालय का उद्घाटन किए। उसके बाद से लगातार हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चला रहे हैं। पार्टी कार्यालय से ही बहुत से नौजवान, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी लोग हमारे पार्टी के साथ, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रेणु कुशवाहा जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निशुल्क सदस्यता है या फिर नहीं? निशुल्क तो नहीं है, 25 रुपया का हम लोग के पास एक रसीद है और 1000 रुपया का है संरक्षक सदस्य। उसमें यह भी है कि 1000 के रसीद में पूरा गांव सदस्य बन सकता है। 1000 में चाहे वो गांव का संख्या 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है जो आज 15 साल से बड़े भाई छोटे भाई का राज चल रहा है बिहार में, जिस कदर का व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इतना लेट हम लोग नहीं आए। पार्टी था, पार्टी बना, उसके बाद से लगातार कोरोना वैश्विक महामारी हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिला में प्रभावित था। बस हम लोग को कमेटी गठन करने में समय लगा, ऑफिस व्यवस्था करने में समय लगा, लोगों को सूचित करने में समय लग रहा है। पूरी मजबूती के साथ हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं, भारतीय सब लोग पार्टी मजबूती के साथ बिहार में एक विकल्प के रूप में आएगी। हमारे पार्टी का एक ही संकल्प है, हम लोग निर्णायक विकल्प देंगे बिहार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव सेवन। शिक्षकों के सम्मान में बिहार लाइव सेवन शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर से एक खास संध्या न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें आपको दिन भर की हर खबर से एक साथ रूबरू कराएगी।